चलिए हम अपने 10 मिनट ऑमलेट की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने 3 अदद अंडे लिए। 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। 1/3 कप इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ। इससे हमारा ऑमलेट बहुत फ्लफी बनेगा और सॉफ्ट भी होगा। देखिए हमारा ऑमलेट जो है वो बड़ा अच्छा सा बीट हो गया। तो अब हम इसे कुक करते हैं। चलिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाले हैं, वो हल्का सा गर्म किया है। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। ये मैंने 1.5 टमाटर लिया है, तो इसके स्लाइसेस हमने इस तरह से काट लिए हैं। ये हम इसमें रखेंगे नीचे। ये एक साइड से हमारे टमाटर बड़े अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अब हम इसमें अपना जो एग और दूध का मिक्सचर था वो ऐड करेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करेंगे। चलिए अब मैंने ये एक हरी मिर्च ली है, बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है इसको, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, वो भी ऐड करेंगे इसमें हम। अब इसमें मैं थोड़ी सी चीज़ ऐड कर रही हूँ, ये मोजरेला चीज़ है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप मत ऐड करें। अब इसके ऊपर मैं कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। चलिए देखिए हमारा 10 मिनट ऑमलेट जो है वो चीज़ी सा बड़ा बन के मज़ेदार सा ये रेडी हो गया बिल्कुल। तो दूध हमने इसमें डाला था, इसकी वजह से ये देखिए कितना फ्लफ़ी बना है। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।